बुंदेलखंड के कद्दावर नेता राजनारायण धौलिया उर्फ रज्जू महाराज का आकस्मिक निधन। समूचे बुंदेलखंड में शोक की लहर। बुंदेलखंड के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक राजनारायण धौलिया उर्फ रज्जू महाराज का आज हार्ट अटैक से निधन हो गया। राजनारायण धौलिया समाजवादी पार्टी से हमीरपुर महोबा से पूर्व में सांसद रह चुके हैं और बसपा से पूर्व में महोबा सदर से विधायक रह चुके हैं। राजनारायण धौलिया कुछ साल पहले अभी भाजपा में शामिल हुए थे और भाजपा से इस समय प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे। राजनारायण बुधौलिया के निधन पर हर पार्टी के लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर व उनके घर जाकर उन्हें नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। राजनारायण बुधौलिया के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा व समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल पेज से ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिल्मी दुनिया के एक्टर हप्पू सिंह ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर रज्जू महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराज के अंतिम दर्शन में हजारों की संख्या में राजनेताओं व आम लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। रज्जू महाराज अमर रहे के नारों से मोक्ष धाम गूंज उठा। महोबा उत्तर प्रदेश से ब्रजेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आप सभी लोगों को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मुझे अभी 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 पता चला कि हमारे राठ के हमारे आदरणीय चाचा जी राजनारायण बधोलिया, हम जिन्हें प्यार से रज्जू महाराज, रज्जू चाचा बोलते थे, अभी अभी मेरे मौसा जी ने खबर दी कि उनका अकस्मात निधन हो गया। ये सुन के मुझे, मतलब जस्ट अभी सीन करके ही आया और अभी बताया तो अकस्मात निधन हुआ है और बहुत दुख हुआ सुन के। और सभी लोगों को मैं यही सूचित करना चाह रहा था कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं राठ से इस लाइन के लिए, एक्टिंग के लिए, रंगमंच के लिए जब निकला और मेरा जब लाइफ का फर्स्ट एड मैंने किया था क्लोरमेंट का, तो उन्होंने ये एड देखा और बहुत, मतलब हमेशा मुझे शुरू से ही प्रोत्साहित करते रहे। और उन्होंने घर भी बुलाया मुझे और उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी तो दुकान चल जाएगी और तुम अच्छा काम करते रहोगे क्योंकि तुम यहां से गए हो और एक बहुत बड़ी बात है। और हमेशा उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और आज जब मौसा जी ने अभी जस्ट अभी बताया मुझे फोन करके और मैं सीन में था, तो मैं तो खुद चौंक गया कि मतलब बीच में अभी मैं अपने पापा जी की जब 13वीं में गया था तो उनसे मुलाकात भी हुई और स्पेशली वो काफी देर तक बात करते रहे मुझसे, बैठे रहे और हमेशा जब जब मिलते थे हमेशा हौसला बढ़ाते थे। तो बस मैं यही कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहां हैं खुश रहें। बस थैंक यू।